नमस्कार दोस्तों, टेस्ट विद पद्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बरबट्टी की एक नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इस प्रकार की बरबट्टी और आलू की सब्जी जो घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बरबट्टी को थोड़े से लंबे पीसेस में काट कर अच्छे से धो लिया है। काटते समय बरबट्टी के अगले और पीछे पार्ट को हटा देंगे और चेक कर लेंगे कि बरबट्टी में कीड़े वगैरह तो नहीं है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू को छीलकर लंबे पीसेस में काट कर ले लिया है और इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से धोकर निकाल लेती हूँ और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन को अच्छे से गर्म करना है। पैन गर्म हो जाए 2 टेबल स्पून तेल डाल लेना है। पर मैंने रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अब चलिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून जीरा डाल लेती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून सरसों डाल लेना है। इन दोनों को अच्छे से चटकने देना है और देखिए सरसों जो है बहुत ही बढ़िया से चटक चुका है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज के प्याज को काट कर रखी थी उसी को डाल लेती हूँ। यहाँ पर आप प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। इससे आपकी सब्जी का टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं सावन में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं और यहाँ पर प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा नरम होने तक ही पकाना है। अब मैं इसी कंडीशन में आलू और बरबट्टी काट के रखे थे उसी को डाल लेना है और इसको हम अच्छे से तेल और प्याज के साथ में मिलाते हुए चलाएंगे। चलाने के बाद इसे हम ढक कर पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे मैं ढक करके पका लेती हूँ। पकाते समय गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। तो इसको फिर से चला लेना है और बरबट्टी का निचला साइड जो है थोड़ा सा पका है। ऐसे ही बरबट्टी को चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे और इसको मैं कोडिंग आने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और बरबट्टी में अच्छे से कोडिंग आ चुका है और यहाँ पर बरबट्टी जो है आधा पक चुकी है। तो मैं इसमें इसी कंडीशन में स्वाद अनुसार से नमक डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जैसे ही हम सब्जी में नमक डालते हैं तो सब्जी जो है पानी छोड़ने लगती है, इसीलिए यहाँ पर सब्जी को चलाएंगे नहीं, इसमें मसाले भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला डाल लेती हूँ। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेना है और सब्जी में थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर तीखी वाली रेड चिली 1/2 टीस्पून डाल ली है मैंने। सब्जी में थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाल लेती हूँ। इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है और इन सभी को सब्जी के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। इन सभी मसालों को मिलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक सब्जी को और पकाएंगे और उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी जो है पक जाएगी। अगर आप कभी भी बरबट्टी की सब्जी बनाने की सोच रहे तो इस प्रकार से ज़रूर ट्राई करें। और मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देती हूँ और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो देखिए हमारी सब्जी जो है पूरी तरीके से पक चुकी है और मैं चलाकर दिखा देती हूँ। इस प्रकार की बरबट्टी की सब्जी जो है बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है। और लीजिए सब्जी जो है तैयार हो चुकी है। तो मैं इसके ऊपर में गार्निश के लिए धनिया डाल देती हूँ और गैस के फ्लेम को बंद कर लेती हूँ और गर्मा गर्म बरबट्टी और आलू की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, चावल, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है और इसे मैं एक प्लेट में निकाल करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसकी खुशबू जो है आने लग गई है। अगर आप इस प्रकार की बरबट्टी की सब्जी बनाते हैं तो 1 की जगह 2 रोटी खा जाएंगे। बच्चों और बड़ों दोनों को ही यह बरबट्टी की सब्जी बहुत ही पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।